नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और त्योहारों की इस कड़ी में, इस लाइन में, इस परंपरा में आपके सामने आज एक बार फिर एक नए महीने के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ आपके लिए लेकर हाजिर है। अश्विन का महीना, अश्विन का जो महीना है ये महीना कुमार के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन और कुमार, जैसे कि इन त्योहारों को हम पढ़ रहे हैं और त्योहारों को पढ़ने की जो हमारा टेक्निक है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारा तरीका है, वो है हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। त्योहारों को हम पढ़ रहे हैं महीनों के हिसाब से, कौन से महीने में, कौन से पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं, क्योंकि एग्जाम में पुट अप क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं, तो इसलिए हम उनको दो पक्षों में बांट करके पढ़ रहे हैं कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और दूसरा पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अश्विन कुमार का महीना, जैसे कई बार पूछ लेता कि हिंदी महीने अश्विन कुमार के टाइम पर कौन सा महीना अंग्रेजी का आता है, या फिर यहाँ कोई त्योहार दे दिया गया और उसका अंग्रेजी महीने से संबंध पूछ लिया गया, तो मैं आपको चैत्र के महीने से बताता आ रहा हूं कि चैत्र का जो महीना है वहां पर मार्च और अप्रैल शुरू होती है। तो काउंट करेंगे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन। अश्विन ये सातवां महीना है, यहां से काउंट करेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सेवंथ महीना जो यहां पर आ रहा है वो है सितंबर का, तो यहां पर ये शुरू होता है सितंबर और अक्टूबर, आधा सितंबर और आधा अक्टूबर इसके अंदर लगभग शामिल होता है। ठीक है, अगर हमने पहली चीज इसको तैयार कर लिया तो एक टॉपिक तो हमारा यही क्लियर हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कि अश्विन का महीने में कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि अश्विन के महीने में हम याद करते हैं हमारे उन सभी पूर्वजों को जिनकी हम संतान हैं, जिनके हम वंशज हैं, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से हमें ये मानव शरीर मिला है और हम इस पृथ्वी पर विद्यमान है। ठीक है, तो ये जो महीना है इसका जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष में उनके प्रति जो श्रद्धा निभाई जाती है, हमारे पूर्वजों के प्रति, उन श्रद्धा को एक नाम दिया गया है और वो है श्राद्ध, इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष की अगर हम बात करें तो अश्विन महीना प्रतिपदा से शुरू होता है। अश्विन की जो प्रतिपदा है, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, यहां से अश्विन महीना शुरू हो रहा है। लेकिन श्राद्ध पक्ष कहां से शुरू होते हैं तो ध्यान रखना, इस अश्विन के महीने से जो पुराना जो महीना था, अश्विन से पहले जो हमने महीना पढ़ा भाद्रपद, तो भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, भाद्रपद माह की जो पूर्णिमा है, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर के पूरे 16 दिन तक, यहां पर लास्ट में 15वीं तिथि, अश्विन कुमार के महीने के कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि जिसे हम अमावस्या कहते हैं, अमावस्या तक ये पितृ पक्ष चलता है और इसमें हमारे जो पूर्वज, जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो कभी इस धरती पर मौजूद थे लेकिन आज विद्यमान नहीं है, तो उनके प्रति श्रद्धा निभाने का जो समय है उसे श्राद्ध कहा गया है। तो ये श्राद्ध पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होता है और श्राद्ध पक्ष के अमावस्या तक चलता है, तो लगभग 16 दिन का समय, कितने दिन का समय, 16 दिन का समय। और जो व्यक्ति जिस तिथि के दिन गया है, जो व्यक्ति जिस दिन, जिस तिथि के दिन उसने अपने इस देह को त्यागा है, उस तिथि के दिन उस व्यक्ति को याद किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन खत्म हुआ है, उसने इस शरीर को त्यागा है, तो उसका श्राद्ध जो है पूर्णिमा को मनाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, उसका जो पूर्वज है, उसका अमावस्या के दिन उसने अगर अपने प्राण छोड़े हैं, अपने शरीर को त्यागा है, तो उसका श्राद्ध अमावस्या को मनाया जाता है। तो ये एक परंपरा है जिसमें हम हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को याद करते हैं, तो इसको पितृ पक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो श्राद्ध पक्ष
भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध कृष्ण अश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक मनाया जाता है और इनका टाइम पीरियड होता है 16 दिन। बस इस माह में कृष्ण पक्ष में यही त्योहार है। कोई भी शुभ काम इन दिनों में नहीं करते, ऐसे कहते हैं कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पूर्वजों का आगमन, हमारे जो पूर्वज चले गए उनका आगमन होता है, हम उनको मेहमान के रूप में नवाजते हैं, तो हम तो उनके आव भगत में ही हमारा समय पूरा उसमें लगा देते हैं, इसलिए कोई भी नया शुभ काम नया त्योहार इसमें नहीं मनाते। ऐसा नहीं है कि इस समय पे मनाना अशुभ होता है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट जो ये है कि हम हमारे पूर्वजों को मेहमान की तरह आव भगत करने में पूरा समय उनमें लगाते हैं, इसलिए किसी त्योहार को नहीं मनाया जाता। बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। अब यहां पर शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल कृष्ण पक्ष के समाप्त होते ही मतलब पूर्वज मतलब पिताजी, ठीक है, हमारे दादा परदादा शुक्ल पक्ष में, माताजी, माताजी मतलब नवरात्रा, यहां पर जो प्रथम तिथि है प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की, वहीं से अश्विन के नवरात्र शुरू होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका कि दो नवरात्र बड़े होते हैं, दो नवरात्र छोटे होते हैं, ठीक है, दो नवरात्र जिन्हें छोटे भी कहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र भी कहते हैं, वो यहां पर ये नहीं है। यहां पर ये मुख्य नवरात्र हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रों के रूप में जाना जाता है, इनको शारदीय नवरात्रों के रूप में जाना जाता है। और ये जो नवरात्र है ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि जो है प्रथम तिथि से शुरू होते हैं। यहां पर ये 9 दिन तक मनाए जाते हैं। इन 9 दिनों को 3-3 दिन में बांटा जाता है, शुरू के 3, फिर मध्य के 3 और फिर लास्ट के 3 दिन। ऐसा कहता है कि शुरू के जो 3 दिन है ये समर्पित होते हैं माता लक्ष्मी को, मध्य के जो 3 दिन होते हैं ये समर्पित होते हैं माता सरस्वती को, और अंत के जो 3 दिन होते हैं ये समर्पित होते हैं महाकाली को। ठीक है, तो ये नवरात्र जो है 3 दिन तक मनाए जाते, 9 दिन तक मनाए जाते हैं और 3-3 दिन तक विशेष पूजा आराधना की जाती है। 3 दिन लक्ष्मी जी की, 3 दिन सरस्वती जी की और 3 दिन महाकाली जी की आराधना की जाती है। तो हमने पढ़ा नवरात्र प्रथमा से लेकर के नवरात्र की नवमी तक, नवरात्र की नवमी तक। अब नवमी से पहले जो यहां पर बात करूं मैं, तो नवरात्र से पहले जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है नवमी से पहले अष्टमी, इसको दुर्गाष्टमी कहते हैं। कई जगह पर कन्याओं का जो पूजन है वो 9 दिनों तक कंटिन्यू चलता है, कई जगह पर दुर्गाष्टमी को कंजगा पूजन जिसे कहते हैं, कन्या पूजन जिसे कहते हैं, वो किया जाता है, और कई जगह पर अष्टमी की जगह नवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है, इसको महानवमी कहते हैं, महानवमी। और महानवमी के दिन भी कन्या पूजन का विशेष महत्व रखा जाता है। ठीक है, तो ये नवरात्र 9 दिन के, इसमें 3 त्योहार, नवरात्र स्थापना जिसको घट स्थापना भी कहते हैं, घट यानी होता है घड़ा, और स्थापना एक कलश लेकर के उस कलश में पानी भर करके उसके ऊपर नारियल और अशोक या आम्र के पत्ते लगा करके उसके नीचे जुहारे बोए जाते हैं। ठीक है, तो ये घट स्थापना है जो कि नवरात्र के पहले दिन की जाती है। 8वें दिन दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और 9वें दिन महानवमी का त्योहार मनाया जाता है। आगे बात कर रहे हैं दशहरा, 10वें दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसे दशहरा कहते हैं। दशहरा जो है ये विजयलक्ष्मी विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दशहरे की अगर हम बात करें तो सबसे राजस्थान में जो दशहरा फेमस है वो है कोटा का दशहरा। दशहरा का फेमस से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि दशहरा कहां का प्रसिद्ध है, तो दशहरा जो है वो कोटा का प्रसिद्ध है। और एक खास बात यह कि इस दिन शमी वृक्ष की पूजा होती है, शमी वृक्ष जिसे यहां पर खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान में बड़ी परंपरा है इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजन किया जाता है, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। और दूसरी बात कि उस दिन हथियारों का भी पूजन किया जाता है,
मतलब हथियारों का पूजन से जुड़ा अगर दिवस है तो दशहरा है, शमी वृक्ष का पूजन किया जाए तो खेजड़ी के दिन किया, खेजड़ी का वृक्ष पूजा की जाती है, शमी वृक्ष को खेजड़ी भी कहते हैं, और दशहरा जो प्रसिद्ध है कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो ये तो हम दशहरे की बात कर रहे थे, शुक्ल पक्ष मना रहे हैं, शुक्ल पक्ष में हमने नवरात्र पढ़े, नवरात्र से जुड़ा हुआ 9 दिन का त्योहार और फिर 10वें दिन का त्योहार दशहरा। ऐसे कहते हैं कि दशहरे के दिन लीलटास पक्षी होता है, उसे लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दशहरे के दिन लीलटास जो पक्षी है उसे लीलटास पक्षी, एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि लीलटास पक्षी का शुभ देखना शुभ माना जाता है दशहरे को, गोगा नवमी को, चैत्र के नवमी को, या फिर एक ऑप्शन कुछ और था, ऐसा कुछ ऑप्शन करके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लीलटास पक्षी का जो दर्शन है वो दशहरे के दिन देखना शुभ माना जाता है। आगे बात करते हैं अश्विन जो है, अश्विन के पूर्णिमा, और अश्विन की जो पूर्णिमा है उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। अश्विन की जो पूर्णिमा है उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं के साथ विद्यमान होता है, और 16 कलाओं के साथ विद्यमान होने के कारण इसकी कलाओं से उस दिन अमृत छलकता है, अमृत की बूंदे जो है वो आसमां से गिरती है। शरद पूर्णिमा क्योंकि चंद्रमा इस दिन पूरी 16 कलाओं के साथ विद्यमान होता है, और 16 कलाओं के साथ विद्यमान होने के कारण इससे अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरती है, उस अमृत की बूंदों के कारण या चंद्रमा की जो फुल मून जो है उस रोशनी का जो किरणें हैं उसके अंदर जो अमृतत्व है उस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए इस दिन एक विशेष व्यंजन बनाया जाता है जिसे खीर कहते हैं। वो खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, शाम को लगभग चंद्रमा का उदय जल्दी हो जाता है, 6 बजे चंद्रमा उदय हो जाता है, चंद्रमा उदय के समय उस खीर को बनाकर के रख दिया जाता है और अर्धरात्रि तक उसको चंद्रमा के समक्ष रखा जाता है। अर्धरात्रि के समय 12 बजे उस खीर को ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है ताकि वो आरोग्यता प्रदान कर सके, स्वास्थ्य वर्धन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य जुड़ा मुद्दा है। तो शरद पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है अश्विन की, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़े अश्विन के माह के त्योहार। अब चलते हैं अश्विन के बाद कौन सा माह आएगा, तो देखते हैं अश्विन के बाद कौन सा माह आता है। हमने पढ़े थे चैत्र, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन, और अब नंबर है कार्तिक, ठीक है। तो वही तरीका, कार्तिक माह है, वही कार्तिक माह के दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। बात करेंगे कार्तिक माह का संबंध अंग्रेजी माह के किस महीने से है, तो काउंट कीजिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो यहां पर ये कार्तिक जो है ये है अक्टूबर, और नवंबर के मध्य में जो माह आता है उसे हम कार्तिक माह के रूप में जानते हैं। कार्तिक माह तो वैसे ही त्योहारों का एक भरा पूरा महीना है, तो शुरुआत चलते हैं कार्तिक माह की ओर। तो सबसे पहले कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जी हां, और ये है करवा चौथ। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में मनाया जाने वाला त्योहार है करवा चौथ। सुहागिन स्त्रियां खासतौर से उन महिलाओं के लिए जिनका पहल शादी के बाद पहली चौथ है या पहला व्रत है उनके लिए विशेष महत्व रखने वाला त्योहार है करवा चौथ, जो कि पूरे भारत वर्ष में
मनाया जाता है सुहागिन स्त्रियों के लिए। तो करवा चौथ कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ मनाई जाती है। इसे कई जगह पर कर्क चतुर्थी भी बोलते हैं, इसे कई जगह पर कर्क चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें तो आगे अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि है इसे अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई माता की पूजा की जाती है, औरतें अपने पुत्र की रक्षार्थ और अपने सुहाग की रक्षार्थ जो है वो अहोई माता का पूजन करती है, और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। एकादशी, तो इसे रमा एकादशी, या तुलसी एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर तुलसी एकादशी तो शुक्ल पक्ष में आती है। जी हाँ बिल्कुल, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम देव उत्थापनी या देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। उस दिन तुलसी विवाह किया जाता है, ठीक है। तुलसी धर्म के रूप में जो मनाई जाती है वो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी। आगे बात करें तो चतुर्थी अष्टमी ग्यारस हो गई, अब इसके बाद शुरू होते हैं पंच पर्व। पंच पर्व किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि लगातार पर्वों की एक श्रृंखला आती है कार्तिक माह में, उसे पंच पर्व कहते हैं, ठीक है। और इन पंच पर्वों की जो शुरुआत है वो होती है त्रयोदशी से। सबसे पहले धनतेरस, धनतेरस जो है ये धनतेरस भगवान कुबेर की पूजा की जाती है इस दिन। भगवान कुबेर की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन, और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में धन का आवागमन बना रहे, ठीक है। इस दिन कोई ना कोई वस्तु खरीदने का बड़ा, कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदने का बड़ा अच्छा दिन रहता है जो लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है। क्योंकि इस दिन भगवान को, इस दिन का संबंध भगवान कुबेर से भी है, भगवान कुबेर की पूजा इस दिन की जाती है, तो धनतेरस। आगे बात करें तो आगे है कि धनवंतरी, जो कि आयुर्वेद के जनक है, उनकी जयंती के रूप में भी इसको मनाई जाती है। धनवंतरी जयंती के रूप में मनाई जाती है, उस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा भी की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के जो 14 रत्न निकले थे उन 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, ठीक है। तो भगवान धनवंतरी जो कि हाथ में अमृत आरोग्य वटी के रूप में, आरोग्य वटी हाथ में लेकर के आए थे, तो आरोग्य वटी के साथ, कलश के साथ में उनकी फोटो आपको देखने को मिलती है। तो भगवान धनवंतरी जो कि आयुर्वेद के जनक है, उनके जयंती के रूप में, उनके जन्म दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं रूप चतुर्दशी। दीपदान का बड़ा महत्व है, महिलाओं का साज श्रृंगार से संबंधित त्योहार है रूप चतुर्दशी। दिवाली की साफ सफाई करके, घर की अलक्ष्मी को दूर करके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, इसलिए महिलाओं को भी जो है वो लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो घर की जो महिलाएं हैं वो सज संवर करके इस दिन अपना जो श्रृंगारित रूप जो है उसको प्रकट करने के लिए, और घर की जो साफ सफाई करने के बाद जो दिन जो यहाँ पर देखने को मिलता है रूप चतुर्दशी, ऐसे कहते हैं कि इस दिन दीप दान करने से नरक में जाने की जो यातनाएं हैं उनसे मुक्ति मिलती है, उनसे छुटकारा मिलता है, इसलिए रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। आगे है और वो है कृष्ण पक्ष की तिथि 15, और ये है अमावस्या। और जो बड़ी अमावस्या जो गिनी जाती है
उनके अंदर इसका महत्व है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इसको दीपावली कहते हैं क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके इस दिन अयोध्या नगरी पधारे। उस अयोध्या नगरी पधारने की खुशी में, प्रभु श्री राम के वापस आने की खुशी में, न केवल अयोध्या में अपितु पूरे भारत वर्ष में यह त्योहार मनाया गया। राम जो कि एक सत्य के प्रतीक है और रावण जो कि एक असत्य का प्रतीक है, रावण को मार करके वापस अपने राज्य की ओर 14 वर्ष के मुसीबत के बाद लौटे तो उनकी खुशी के लिए दीप दान किए जाते हैं, दीपों से पूरे नगर को सजाया जाता है, इसलिए इसको दीपावली का पर्व कहते हैं और इसे लक्ष्मी जी की विशेष आराधना की जाती है। ठीक है, तो ये दीपावली जो कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। आगे बात कर रहे हैं तो ये है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले पहली तिथि गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई यहां पर एक घटना है कि जिस व्यक्ति का अभिमान बढ़ जाता है, जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, उसका अहंकार नीचे होने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कार्य के रूप में अवश्य आते हैं। इंद्र का अभिमान कम करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पूजा के रूप में लोगों को संदेश दिया, लोगों ने गोवर्धन पूजा को एक्सेप्ट किया, लोगों ने गोवर्धन पूजा शुरू की और श्री कृष्ण ने कहा कि जो गोवर्धन है हमको सब कुछ देता है, अतः इसकी पूजा की जाए। इंद्र जो है हमें कुछ नहीं देता, बस उद्देश्य यह था कि इंद्र का अहंकार टूटे। इंद्र का अहंकार टूटा, उन्हें जब वास्तविक चीज का पता चला कि मैं जिनके ऊपर क्रोध दिखा रहा हूं वो तो साक्षात स्वयं नारायण है, तो उन्होंने आकर के क्षमा याचना की और उस दिन से ही गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व हो गया। आज भी गोवर्धन पूजा चली आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कई जगह पर पूजा सुबह के समय होती है, कई जगह पर पूजा शाम को समय होती है। गाय का गोबर ला करके गोबर से एक बच्चे का चित्र बना करके उसको श्री कृष्ण और उस पर्वत के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, गोवर्धन पूजा के बाद दूसरा दिन जो है द्वितीया, जो है द्वितीया तिथि को भाई दूज, भाई दूज का विशेष महत्व है। ये भाई दूज जो है ऐसे कहते हैं कि भगवान यमराज जी अपनी बहन कालिंदी मतलब यमुना के घर गए थे। काफी दिनों के बाद भगवान यम अपनी बहन कालिंदी के घर गए थे तो उस दिन उसकी बहन बहुत खुश होती है और खुश होती है तो भगवान यमराज उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं कि बता बहन तुझे क्या चाहिए। तो ये यमुना जी कहती है कि हे भाई, जो भी इस तिथि के दिन अपनी बहन के घर जाए उस भाई को कभी यमराज का जो डर है वो न सताए। तो भाई ने अपनी बहन को वचन दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा। उस दिन से ये भाई बहन का त्योहार, रक्षाबंधन की बात में अगर भाई बहन का जो त्योहार है जो सबसे ज्यादा मनाया जाता है तो वो है भाई दूज। क्लियर, तो ये यमराज जी की और उनकी बहन यमुना जो है उनकी याद में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो पंच पर्वों की हम बात कर रहे हैं, पंच पर्वों में से हमने बात की सबसे पहले धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी जिसे छोटी दिवाली ठीक है भी कहते हैं, और उसके बाद दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये तो थे पंच पर्व। अब बात करते हैं पंच पर्वों में से तीन पर्व आपके कृष्ण पक्ष में है और दो पर्व आपके शुक्ल पक्ष में है। फिर आगे चले तो अष्टमी जो तिथि है इसको गोपाष्टमी कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने गायों का महत्व बताने के लिए गायों की पूजा पर महत्व जोर दिया कि गाय हमें सब कुछ देती है और गाय जो है वो अमृत तुल्य है। तो गायों का महत्व उजागर करने के लिए, गायों का महत्व बढ़ाने के लिए इस दिन गायों की पूजा की जाती है, तो इसको गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी के बाद फिर है एकादशी, तो सॉरी नवमी जो है ये तो विशेष है, तो ये है आंवला नवमी। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है।
आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं जो होती है आंवले के वृक्ष के 108 परिक्रमाएं लगाती है और भगवान जो श्री हरि विष्णु है उनका एक स्वरूप मान करके, जैसे जो पूजनीय वृक्ष है उनमें से पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, ठीक है, ऐसे ही आंवले का वृक्ष है। तो आंवले का जो वृक्ष है जिसकी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को विशेष पूजा का महत्व है, तो ये आंवला नवमी के रूप में जानी जाती है। नवमी के बाद ये है एकादशी। चार माह के शयन के बाद, देव शयन के बाद, ये है देव उत्थापनी एकादशी, इसे देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन भगवान जो है वो चार माह के विश्राम के बाद भगवान को जगाया जाता है, उठो देव बैठो देव हर की पौड़ी बिराजो देव, ठीक है। तो ये है देव उठनी ग्यारस। इस दिन तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। जिन घरों में कन्याएं नहीं होती वो अपने घर की देहरी को पापों से मुक्त करने के लिए, कन्या जो होती है, कन्या का जन्म बहुत शुभ माना गया है, लेकिन अगर कहते हैं कि किसी घर में अगर कन्या का जन्म नहीं हो तो उस घर में तुलसी को कन्या के रूप में मान करके उसका विवाह करना चाहिए, ताकि तुम्हें एक कन्या के विवाह का फल मिल सके। तो यहां पर तुलसी को कन्या के रूप में और शालिग्राम जी जो हैं उनको जमाई के रूप में शादी की जाती है, तो देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह के रूप में भी मनाई जाती है। और अंत में जो पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा जो है उसको देव दिवाली, ठीक है। तो ये थे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के त्योहार। दोस्तों ये जो त्योहार हैं कार्तिक माह के, क्योंकि अश्विन माह में तो त्योहार वैसे ही कम है, और कार्तिक माह के जो त्योहार है तो ये राष्ट्रीय महत्व के त्योहार है, पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक है। तो इनमें से क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया जाता है, जैसे गोपाष्टमी जो है, आंवला नवमी की जो है, ठीक है, या देवउठनी या तुलसी जो, अब ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, मैंने बताया था आपको एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है उसे तुलसी एकादशी कहते हैं, और जबकि यहाँ पर तुलसी विवाह का होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी, ठीक है। तो हमने दो माह का अध्ययन किया, अश्विन और कार्तिक। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे लेकर के नए और लास्ट के बचे हुए महीनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।